अब हम आपको क्राइम ब्रांच के सिपाही का अक्षम्य क्राइम दिखाते हैं। पीएम और महिला आईएएस पर अभद्र टिप्पणी करने वाले इस सिपाही पर शिकंजा कसा जा चुका है। कानपुर में क्राइम ब्रांच में तैनात अजय गुप्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था, जो अब सस्पेंड हो चुका है। मूछों पर ताव देता काला चश्मा लगाए हुए ये सिपाही क्राइम ब्रांच में तैनात है, जिस पर अक्षम्य अपराध का आरोप है। नाम है अजय गुप्ता, जो कानपुर में लंबे समय से कमिश्नरी की क्राइम ब्रांच में तैनात है। आरोप है कि इस सिपाही ने सोशल मीडिया पर पीएम और एक वरिष्ठ महिला आईएएस अफसर पर अभद्र टिप्पणी की, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही। इस आरोप में पुलिस ने क्राइम ब्रांच के सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। एक आरक्षी के ट्विटर हैंडल पे कुछ ऐसी बातें प्रकाश में आई थी, जो विभाग के विरुद्ध और उच्च स्तर पे बैठे व्यक्तियों के विरुद्ध उसने अपने ट्वीट्स डाले थे। उस आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कई लोग सोशल मीडिया पर आवेश में आके ये भूलते हुए कि सोशल मीडिया कोई दो व्यक्तियों के बीच तक ही सीमित नहीं है, अपने व्यक्तिगत जो विचार हैं उनको व्यक्त करते हैं। कानपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच में तैनात सिपाही को निलंबित कर दिया है। सिपाही पर आरोप था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार पुलिस विभाग की छवि को धूमिल कर रहा था। कानपुर क्राइम ब्रांच के सिपाही अजय गुप्ता ने पीएम मोदी पर भी अभद्र टिप्पणी की थी और आला अधिकारियों ने मामला संज्ञान में लेते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया है। एक महिला आईएएस ऑफिसर पर भी सिपाही ने अभद्र टिप्पणी की थी ट्विटर अकाउंट से। पुलिस विभाग के खिलाफ भी ट्विटर पर मोर्चा खोल रखा था और सोशल मीडिया पर संबंधित स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद अफसरों ने जाँच के आदेश दिए थे। कमिश्नरी की क्राइम ब्रांच पिछले 5-6 महीनों से लगातार विवाद में, ऐसे में एक और सिपाही की करतूत उजागर हुई। अभी अजय गुप्ता को सस्पेंड किया गया है, उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर आरोप साबित होते हैं तो बात बर्खास्तगी तक पहुंच सकती है। 14 अगस्त को पुलिस पदकों को का ऐलान किया गया था और अजय ने मेडल सूची को लेकर कमिश्नरी अफसरों से लेकर डीजीपी पर सवाल उठा दिए थे। इस दौरान अजय के पुराने ट्वीट सामने आए थे। ट्वीट वायरल होने की जानकारी हुई तो अजय ने ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया था, लेकिन स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे, जिनको सबूत बनाते हुए और बड़ी कार्रवाई की गई है कानपुर पुलिस के द्वारा। कानपुर पुलिस के क्राइम ब्रांच में तैनात अजय गुप्ता पर अभद्र टिप्पणियां करने और विभाग की छवि को धूमिल करने के आरोप में उसे निलंबित कर दिया गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।